मैं तो नींद में भी हिलाता हूँ भाई। अच्छा लगा ठाक, बुरा लगा जल्दी चेंज, अच्छा लगा चलो 2 3 4 5 सेकंड आउट, एक खत्म सा मिनट हो से गया। ज्यादा है ही एक नहीं। मिनट 7 से 10 सेकंड हो गया अभी। वेयर आर यू? इज इन द हैंड्स। एक तो आप हिंदी में बोलिए, एक तो आपके मुंह से हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप इंग्लिश में बोलिए। गाली इंग्लिश में दो तो ऐसा लगता है कि क्या गाली दी, और वही हिंदी में गाली दो तो ऐसे लगती है, मतलब ना। तो जब तक वो दिल से दिल तक नहीं पहुंचती है, वो हाँ, वाली बात है। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ओर से फिल्मी टॉक्स पे आज के अतिथि हैं राहुल वैद्य, नन अदर देन, जिनको मैं ऑलमोस्ट 20 साल से जानता हूँ। इनका सफ़र मेरे साथ चालू हुआ जब मैं मैगज़ीन प्रोड्यूस करता था टेली प्राइम टाइम। बहुत ही कैजुअल इंटरव्यू ली थी मेरे अजीज़ एडिटर ने सुदीप्त चट्टोपाध्याय, और कन्वर्सेशंस में कहीं एक शब्द राहुल के शब्दावली से निकला था जब उससे पूछा गया कि क्या इंडियन आइडल रिग्ड है, तो इन्होंने निगेटिव जवाब नहीं दिया था और हम लोग ने आर्टिकल में एज अ आर्टिकल लिखा, और मेरी मैगजीन भी नहीं थी, हम लोग ने कैप्शन जो बना दिया कवर पेज पे, तो उसके अंदर हमने लिख दिया रिग्ड, लेकिन रिग्ड में हमने क्वेश्चन डाला था, हमने कमिट नहीं किया कि रिग्ड है। मैगजीन ने हाहाकार मचा दी और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, और राहुल को बहुत ही मैनेजमेंट से सोनी के यहाँ से डांट मिली थी, और मुझे भी सू करने के लिए टेलीफोन आ गए थे कि हम आपको सू करेंगे। इट वॉज अ फन एलिमेंट, रिलेशन तब से बनी हुई है, और आज की जर्नी जो राहुल की रही है, उसकी जो पॉडकास्ट आप देखोगे, दिल से उसने दी है, उसने कोई शब्द मिलावट नहीं किए हैं, दिल से ईमानदारी से अपने दिल की बातें कही हैं, और ये पॉडकास्ट लेने जा रही है मेरी बेटी मेघा ईसरानी भाटिया। Can churn out controversy for you. We will surely churn out. Ishranis are great at churning controversies. जो आपने एक मैगज़ीन छापा था आज से एग्जैक्टली 20 साल पहले, और आपने हर जगह खासकर सोनी के ऑफिस के बाहर वो लगा दिए थे कि इंडियन आइडल रिग्ड, तो आपने तो छाप दिया, आपका मैगज़ीन तो चल गया। दूसरे दिन जो मुझे सुनना पड़ा है सोनी के बॉसेस से, ओहो, मतलब जो बोला कि मेरी क्लास ली गई ना, वो मैं आपसे कभी अलग से वसूल करूंगा। राहुल, हाउ हैज इट बीन, आई थिंक 20 इयर्स नाउ, यस, इन द इंडस्ट्री, एंड बहुत ही टफ जर्नी रही है, इट हैजंट बीन इजी। यस, यू हैव मेड अ वेरी सक्सेसफुल नेम फॉर योरसेल्फ, बट इट हैजंट बीन इजी एट ऑल, स्पेशली विद द बॉलीवुड स्पेस। किसकी जर्नी इजी होती है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, बट मैं मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि आई शुड बी टेलिंग कि हाँ बहुत ज़्यादा, सबकी जर्नी मुश्किल होती है इस ज़िंदगी में। कोई भी अगर कहीं भी पहुँचा है ना, तो वो देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट। कोई भी ऐसे ही कहीं पहुँच नहीं जाता, लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखती है, लोगों को पैसा दिखता है, लोगों को स्टारडम दिखती है, लोगों को उसके पीछे की मेहनत, फ्रस्ट्रेशन, डाउन्स, नेगेटिविटी, डर नहीं दिखता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन द बाय कोर्स ऑफ दिस जर्नी आई हैव लर्नड, मैंने ज़िंदगी के ना कुछ अहम पहलू सीखे हैं कि हाउ यू नीड टू बी। अगर आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हो ना, तो आप ज़िंदगी में रोज़ अफेक्ट होगे।
हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके लिए दुख का कारण बनेगा. बट आंट आर्टिस्ट एज अ ब्रीड वेरी वेरी इनसिक्योर एज अ और हैव दे बिकम लाइक दैट. आई एम नॉट एन आर्टिस्ट देन, शायद मैं आर्टिस्ट हुई नहीं. मैंने ना कभी आर्टिस्ट की तरह सोचा, ना कभी बिहेव किया, ना कभी मेरे सपने रहे हैं कि मैं फिल्म फेयर अवार्ड जीतूँ, ना मेरे कभी सपने रहे हैं कि मेरे फिल्मों में गाने हों, ना कभी मेरा सपना रहा है कि एक बड़े सुपरस्टार के ऊपर मेरे सपने ही नहीं रहे. जब आपके सपने ही ये नहीं होते हैं ना, तब आप वो इनसिक्योरिटी के स्पेस से आते ही नहीं हो. बट टेल मी, डिड यू, क्या आपने कभी सोचा था कि यू विल बी एट दिस स्पेस एज अ चाइल्ड व्हेन यू स्टार्टेड म्यूजिक? यू स्टार्टेड म्यूजिक एट अ वेरी अर्ली एज. सपना था कि 500 रुपए हो जेब में, एक कार हो और एक 2 BHK का फ्लैट हो. भगवान ने उसके 100 गुना कब दे दिया पता भी नहीं चला. बट उसके बाद भी जिंदगी तो चली रही है ना. राइट. हम थोड़ी मतलब कि नहीं यार अब बहुत बहुत हो गया, अब कुछ नहीं काम करेंगे. तो वो सब बातें होती हैं. इंसान की वांट्स भी उसके करियर के हिसाब से बदलती रहती हैं. आप जब शुरू करते हो आपको इतना चाहिए होता है, फिर आपको इतना चाहिए होता है, तो वो बढ़ते रहता है. एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव अ डेफिनेशन, अ लाइनिंग कि यार मैं इतने में ना बहुत खुश हूँ. मुझे राहुल महाजन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो जो मैंने बहुत दिल के अपने करीब रखी है कि अच्छी सेहत, अच्छा पारिवारिक सुख और अपने सर के ऊपर छत, इसके अलावा जितना भी पैसा आप कमाओगे वो सब दुख के कारण बनेंगे किसी ना किसी तरीके से. वाओ. कि घड़ी मैंने यार मुझे इतने लाख की है, अब करोड़ों की, यार अब हीरे वाली चाहिए, गाड़ी यार 1 करोड़ की 2 करोड़ की, अब 5 की लूंगा. No. इसका एंड कहाँ है, इसका एंड कहाँ. राकेश झुनझुनवाला, नहीं राकेश झुनझुनवाला नहीं, जो शेयर ब्रोकर स्टॉक, राकेश झुनझुनवाला 50,000 करोड़ रुपए छोड़ के गए. वो कुछ फायदा है उसका? नॉट एट ऑल, ही इज नॉट देयर. क्या फायदा, वेल्थ में एंजॉय नहीं कर दे, कर नहीं पाए. तो शर्ट वो ऐसे ही पहनते थे बगैर इस्त्री की. सो दैट स्पोक अ लॉट अबाउट हिज पर्सनैलिटी. राइट. बट उस पैसे का फायदा ही क्या जो आप जो एंजॉय नहीं आपको प्रेशराइज करे, जो आपको एंजॉय ना करने दे. हम कहाँ से आए हैं यार, हम वाई डू वी फगेट आर रूट्स. जितना आप अपने रूट्स याद रखोगे ना, आई थिंक यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. नाउ व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, Do you have regrets? No, I don't have regrets. You don't have regrets. I don't have any regrets. Because क्या है कि इंसान जब तक चुतियापे करता नहीं है ना, तो वो तब तक आपको realize, तब तक आप मज़े नहीं ले पाओगे. आज मैं उस बातों के ऊपर हंसता हूँ कि ये मैं था. मैं अपने फेसबुक के स्टेटस देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड, मैंने कभी ऐसा कुछ लिखा था, मैं ऐसी चीज़ें लिखता था. बट ठीक है, वो मैं था, That was me, but अब मैं वो नहीं हूँ. अब मैं सीखा हूँ कि यार वो जो मेरा बचपना था वो तो इट्स मी ओनली ना. वो भी मैं था, ये भी मैं हूँ. सो पीपल शुड एक्सेप्ट रियलिटीज. डाइव डीपर इन टू वॉट मेक्स राहुल वैद्य राहुल वैद्य. आपके बहुत कॉपीज भी आए हैं ओवर द लास्ट 10 years, एंड यू हैव वेरी ग्रेसफुली ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट, एंड यू बीन वेरी प्राउड, एंड यू कॉल देम योर लिटिल बच्चास. टेल अस हाउ यू पेव्ड दिस पाथ. सो आई टेल यू वॉट, माई लव वॉज म्यूजिक. बट जब मैंने रियलाइज किया कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी प्रिवेल करती है, एक म्यूजिक डायरेक्टर किसी सिंगर को खुशी से गाने नहीं देता, सबको मांगने पड़ते हैं, सबको लॉबी करनी पड़ती है, सबको असिस्ट करना पड़ता है किसी ना किसी को. राइट. मेरे से वो हो नहीं पाया. नॉट दैट आई हैव एनी ईगो इश्यूज इन डूइंग इट, बट मेरे लाइफ की जर्नी भगवान ऐसे बना था कि गॉड केप्ट मी सो बिजी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि 6 महीने जिंदगी के फ्री हैं तो मैं किसी सर को फोन करूं, सर कैन आई कम एंड असिस्ट यू, तो नहीं. सो देयर इज नॉट मेनी सिंगर्स स्पीक अबाउट इट. हाउ डिड यू बिकम द वेडिंग किंग? अगर आप मुझे वेडिंग किंग कह रही हैं तो वो मैं बन गया हूँ. मैंने कुछ उसके लिए, आई डेंट थिंक कि मैं ये करूँगा, मैं इसकी शादी में परफॉर्म करूँगा, ये वीडियो यहाँ डालूंगा. आप कुछ नहीं कर सकते हो. मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज. जस्ट इट्स जस्ट बिन अ ब्यूटिफुल जर्नी. कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट हाँ हुआ है एंड मैं बहुत खुश हूँ. एंड मेघा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं
कि भाई आप इतने शोज क्यों करते हो, सालों से कहते हैं really? हाँ अरे भाई थोड़ा कम शोज करो ना, जितना कम करोगे उतना लंबा चलोगे। तो मेरा रिस्पॉन्स, मैं उनके मुंह पे तो बोल देता हूँ हाँ हाँ भाई कम करेंगे, बट अंदर ही अंदर यू नो व्हाट, आई एम अ पर्सन हु लव्स गेटिंग अप, गोइंग टू द एयरपोर्ट, टेकिंग अ फ्लाइट टू सम डेस्टिनेशन, रीचिंग द होटल, डूइंग द साउंड चेक एंड रॉकिंग दोज 2 आवर्स इन द इवनिंग इज माई पैशन। मेरे को मजा आता है स्टेज के ऊपर। तो आप मुझे बोलो कि यार अगर आप 10 बार महीने में करते हो तो 4 ही बार करो, इट इज नॉट अबाउट द मनी, राइट? तो इट्स द जॉय दैट मेरे को मजा आता है कि जब मैं 2 घंटे वहां पे रॉक करता हूं एंड व्हेन आई मेक न्यू फ्रेंड्स एवरी वेडिंग आई मेक रिलेशनशिप्स विद पीपल एंड वो बनती है बिकॉज आई एम अ नेचुरली मैं वैसा हूँ। बचपन से ना मेरे बहुत बड़े बड़े एज के दोस्त बनते थे, तो मैं, मेरी मॉम मुझे पूछती तू क्या बात करता है उनसे, सो शी यूज टू आस्क मी, सो आई थिंक दैट इज अ नेचुरल गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन मी, गॉड हैज मेड मी लाइक दैट। लॉट ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर इनसिक्योर, आई वुडंट लाइक टू नेम, मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर का इंटरव्यू देखा था, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स नाउ, उन्होंने कहा था प्रॉब्ली राहुल वैद्य हैज मोर मनी देन मी इन हिज अकाउंट, तो अगर वो सोच ही ऐसी रख रहे हैं तो मुझे क्या गाना गवाएंगे यार। बट टेल मी, म्यूजिक हैज पिवटेड टुडे, नो वन नीड्स अ बिग लेबल एज वेल, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक दैट इज ग्रेट, एवरीबॉडी इज बिकम वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट। और ये बदलाव कब आया, एट व्हाट टाइम डिड यू सी? ओवर द इयर्स आया है, 10 साल से पिछले आई थिंक पीपल लाइक हनी सिंह मोर बिकॉज ही वॉज द वन हु, नॉन फिल्म गाने उनके इतने हिट हुए हैं कि बॉलीवुड वालों को मजबूरन आना पड़ा उनके पास, एंड ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम पंजाब मोस्टली दे क्रिएटेड दिस, दे हैव बीन एबल टू क्रिएट अ नीश कि यार आप हमारे पास आओगे हम नहीं आएंगे आपके पास। वाओ, आई डिडंट नो दैट इनसाइट। टेल मी, व्हाट्स एन एवरेज वैल्यू दैट अ सिंगर गेट्स व्हेन ही गेट्स अ प्लेबैक सिंगिंग अपॉर्चुनिटी? एवरेज वैल्यू पैसे की बात आधे लोगों तो पैसे ही नहीं मिलते। यू आर जोकिंग? नहीं, पैसे ही नहीं मिलते, आई एम सीरियस। तो फिर लोगों का घर कैसे चलता है? लोगों का घर एक्सपेक्ट यही होता है कि हम तुमको गाना दे रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है, बाकी तुम अपने शो से देख लेना। तो इट्स लाइक सेइंग कि टुडे संजय बंसाली गिविंग अ फिल्म टू रणवीर सिंह एंड टेलिंग हिम कि मैं तुझे फिल्म दे रहा हूँ ना, वही बड़ी बात है, पैसे नहीं दूंगा। इट्स दैट ओनली ना, सो इजंट दैट द रीजन व्हाई सिंगर्स लाइक प्लेबैक सिंगर्स are not the richest and not the most? No, like, who said? Lot of playback singers are damn... Very few. I'm talking about 90s, maybe very, very rich. But I'm talking about today's. They're very handful. I can count them on my fingers and tell you. Like playback singers. And of course, they make out of shows. So, वही तो, your bottom line, let me answer your bottom line. कि जो तुम पूछ रही हो, उसका सार यही है कि playback singing में maximum 25,000 या 50,000 रुपए गाने के मिलते हैं। अगर आप बहुत बड़े सिंगर तो शायद आप 5 लाख रुपए मांग लोगे, बट 1 लाख रुपए तक तो आप गाने गा ही देते हो, और बहुत सारे बड़े गानों के तो पैसे की बात ही नहीं होती है, एंड दिस इज़ द फैक्ट। एंड ये सच है कि फिल्मों में जितने आप सुपरहिट गाने सुनते हैं ना सिंगर्स के, मैं लिख के देता हूँ आधे से ज़्यादा सुपरहिट गानों के लिए लोगों को पैसे नहीं मिले, आई कैन अश्योर यू दैट। कोई बोलेगा नहीं, बट ये सच है। Rahul, you recently performed at the biggest wedding of the century, of the decade. I don't think India kabhi bhi ek aisi shaadi dobara witness kar payegi. World mein bhi nahi hogi. Yeah. It was a visionary wedding who had the dreams and the aspiration and the money. Yeah. You were fortunate enough to kill it on that show. Yeah. Kaisa tha experience? Sabse pehli baat to mujhe 2 gaane gaane ke liye bulaya tha. और वहाँ पे जब मैं पहले जो हल्दी हो रही थी अंबानी फैमिली की, तो हल्दी उनकी शुरू हुई है एंड अचानक सब लोग बहुत मस्ती के मूड में आए एंड सडनली द म्यूज़िक स्टार्टेड। उदित जी स्टेज पर थे एंड उदित जी वॉज सपोज टू सिंग 2 सॉन्ग्स, देन आई वॉज सपोज टू सिंग 2 सॉन्ग्स, बट पार्थिव गोहिल जी जो हैं वो वहाँ पर थे
एंड जैसे उदित जी ने शुरू किया उन्होंने मुझे भी इशारा किया कि भाई अभी आ जाओ. सो आई जस्ट गॉट ऑन स्टेज एंड मैं दो गाने गाने के लिए गया था. मैंने 2 घंटे गाया वहाँ पे. वाओ. एंड टू सी द अंबानी फैमिली, पता है लोग उनका सिर्फ अमीर साइड देखते हैं बट वो बड़े कल्चर्ड लोग हैं. उनसे ज़्यादा कल्चर्ड लोग इंडिया में बहुत कम होंगे. ये सब इतने अच्छे लोग हैं. दे वर हैविंग अ बॉल एंड वो वीडियोज़ मेरी काफ़ी वायरल भी हुई. एंड वहाँ पे बॉलीवुड और क्रिकेट के 2 पावर हाउसेस थे, हार्दिक पांड्या एंड रणवीर सिंह. राइट. ये दोनों स्टेज के एकदम सामने थे तो कोई भी गाना गाए तो पहला रिएक्शन इन दोनों का आ रहा था. एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम. और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी कहूँ या इट्स बीन अ ग्रेट स्टेप इन माई करियर. इट्स बीन अ माइल स्टोन इन माई करियर. मुझे वो वीडियोज़ वायरल होने के बाद 4 दिन में 100 शोज आए हैं. जिस दिन से वो वीडियोज़ वायरल हुए हैं उससे अगर आप 4 दिन गिन लो, 24 आवर्स तो एटलीस्ट 100 शोज कन्फर्म्ड फॉर द एंटायर सीजन. यस. वाओ. टेल मी व्हाट डज इट टेक एक अच्छे गायक को. Because you can't be a good singer. आपके मुंह से हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. आप इंग्लिश में बोलिए. You can't be a good singer and a good performer. Is that a myth or is that a truth? I think that's somewhere the unfortunate truth. Yeah. पता नहीं ऐसा क्यों होता है, but जो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं ना उनमें X factor नहीं. They are very bad on stage. They're very bad on stage. And आधे से ज़्यादा सिंगर्स अपनी आवाज़ एक स्टूडियो में ऑटो ट्यून भी कर लेते हैं. ऑटो ट्यून तो सभी करते हैं. ऑटो ट्यून जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है. सो व्हाट्स द रियल बस ऑटो ट्यून बेसिकली बताऊँ क्या. ऑटो ट्यून एक तड़का है जो मारा जाता है एक सब्जी के ऊपर. ओके. इट्स लाइक अ दाल. दाल के ऊपर एक तड़का मारा जाता है एंड में टू मेक इट टेस्टियर. टेस्टियर. बस ऑटो ट्यून इज दैट. ऑटो ट्यून जस्ट एनहेंसेस. सबके आवाज में ऑटो ट्यून लगता है. मेरी भी लगता है, अरिजीत सिंह के भी लगता है, सोनू जी के भी लगता है. Everybody's it's a but tell me back procedure. In the days when there was no autotune and when there were live recordings and when there were, you know, that time though people didn't need it. तो तब वही लोग गाते थे जो गा सकते थे. Secondly, जो थोड़ा बहुत अगर गलतियाँ हो जाती थी तो you can very easily hear कि अरे यहाँ पे थोड़ा सा ये होता. Which in today's time wouldn't have happened because that fault would have been corrected in Got today's it. time. Got it. But yeah. That is what it is. कि ऑटोट्यून तो सब लोग करते हैं बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि पूरा प्लस वन जो लोग आते हैं. इट्स कॉल्ड माइमिंग. दे ग्रेट एक्टर्स. सॉरी. इट्स कॉल्ड माइमिंग. दे ग्रेट एक्टर्स. बट यू आर कॉल्ड टू सिंग लाइव ना. आई वॉज आस्किंग जज साहब. मेरे दिल्ली के हाईकोर्ट जज है, मैं उनके साथ बैठा हुआ था. मैंने कहा सर अगर कोई किसी सिंगर को बुक करता है और वो सिंगर आके सिर्फ माइक पे मुंह हिलाता है तो क्या वो उसके ऊपर केस कर सकता है? तो जज साहब कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये अगर लिखा हुआ है कि ही विल सिंग तो उसने ये थोड़ी लिखा हुआ है कि ही विल बी सिंगिंग लाइव. तो अगर लाइव गा रहा है, अगर वो लिखता है उसके बाद इफ ही लिप सिंग्स देन द क्लाइंट कैन सू हिम. रियली. या बट खैर. बट आई थिंक पीपल हु हायर आल्सो सच पीपल नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू. या लोगों को बस नाम चाहिए होता है. लोगों को नाम काम से ज्यादा नाम चाहिए होता है. बट नाम लिखता है. बट इजंट दैट अनफेयर टू एन ऑडियंस? नो. वही तो ऑडियंस है ना. देखो जो पैसा भरता है वो ही इज द किंग. He chooses, right? उसको अगर उसको सही लग रहा है तो it doesn't matter कि बाकियों को क्या लग रहा है. Have you ever done a song like that? What? Lip syncing on a stage? ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मैं तो गा सकता हूँ ना. नहीं but कभी ऐसे like your voice has gone down, has that ever happened? कभी भी नहीं. ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी. हाँ काफ़ी बार ऐसे होता है कि एक बहुत बड़ा अवार्ड शो होता है जिसमें म्यूजिशियंस की जगह नहीं होती है और माइक की मॉनिटरिंग की जगह नहीं होती. सो एट दैट टाइम्स यू हैव टू डू अ प्लस वन. दैट टाइम. बट दैट इज इन एसओएस सर्कमस्टेंसेस कि जब
there is no time for sound check. But that's also not when you're entertaining. Yeah. Like you're not going for a wedding and you're not entertaining and you're not interacting or it's not a celebration, right? मुझे लगता है मेगा बहुत बड़ा फर्क है जो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि परफॉर्मेंस एंड एंटरटेनमेंट में बहुत फर्क है. परफॉर्मेंस एंड एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट. पीपल फॉरगेट कि व्हेन दे आर कॉल्ड एट अ वेडिंग दे आर नॉट कॉल्ड टू कि उनकी गानों को देख के लोग कहे कि ओ माय गॉड कितना अच्छा गाते हैं. नो पीपल जस्ट वांट टू सेलिब्रेट एंड हैव अ ग्रेट टाइम. आई हैव रियलाइज्ड इट कि पहले ना मैं पहले के शोज में लाइक पहले कुछ सालों पहले 15-20-25 मिनट पहले स्लो गाने गाता था. दैट पेशेंस इज ओवर. फ्रॉम द फर्स्ट सॉन्ग पीपल वांट फास्ट सॉन्ग्स फ्रॉम द सॉन्ग वन बिकॉज हमारे पहले इतना कुछ हो चुका होता है फैमिली डांसेस और बहुत सारे इतनी सारी चीजें हो चुकी होती हैं. That when you come on the dance floor, when yeah. you come on the stage, they want to come on the stage. They are exhausted. खाना खा चुके होते हैं, थक गए होते हैं, थोड़ा सा सुस्ती आ रही होती है. तो या तो फिर आप straight शुरू करो या तो सुला दो उनको. Option आपके पास है. And there's only one thing that you do. What? That you only entertain. Song one clear. कि I am not there to celebrate myself, right? I am there right. to celebrate the couple or the families. And right. I believe in doing that. इसलिए शायद लोगों को अच्छा लगता है. Rahul, you've been the only consistent player, I would say, who has not only sung really well on events, but have also interacted very well. Like I think you give the due importance to a bride, groom, parents. You've always made them feel like they are the stars, and you've always invited them on stage. And I see a lot of other people who've never even acknowledged that Falane ne mujhe invite kiya hai or you know they've hired me. How do you navigate that? Because you have 500 people in front of you. Mm. At times people just want to get drunk, dance. Mm. But in that few minutes also you get the parents and you've always made them feel important, be it your smallest show, your biggest show. ये कोई thumb rule recipe है? नहीं, ये मैंने कभी एक effort नहीं किया. It's a natural पर्सनैलिटी ट्रेट कि मुझे एक 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 मोमेंट कैच करना. कोई ऐसा कर रहा है, कोई पैर हिला रहा है यहाँ पे, तो वो नोट करना मुझे अच्छा लगता है. आई जस्ट टॉक अबाउट इट. तो इट्स ओके, मैं खुद बहुत पैर हिलाता हूँ, मैं तो नींद में भी हिलाता हूँ. सो इट्स अ नेचुरल एबिलिटी, इट्स अ नेचुरल ट्रेट, इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट. अगर मुझे आप वो अननेचुरली कराने जाओ तो शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा. सो इंटरेक्शन जिसके बारे में आप बोल रहे हो वो नेचुरली होता है. देर इज़ वन थिंग विच आई कॉन्शियसली डू जो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था. हिज नेम इज़ निखिल चतुर्वेदी. कहते राहुल आप इतने टाइम से गा रहे हो एंड इतना बढ़िया गाते हो, ये करते हो, वो करते हो, परफॉर्म कमाल कर देते हो, एक चीज़ करोगे मेरे लिए? मैंने कहा हाँ बताओ. कहते हर चीज़ में ना कॉन्शियस, हर शो में कॉन्शियसली एक एफर्ट करना कि एक कोई चीज़ नहीं करो जो पिछले शो में नहीं करी होगी. कि एक कोई नया गाना लेके देखो, एक नया कोई डांस स्टेप करके देखो, एक नया इंटरेक्शन करके देखो, कुछ एक चीज़ भले वो छोटी सी हो. जस्ट मेक अ थंब रूल कि हर शो में एक चीज़ नहीं करूँगा, किसी म्यूजिशियन के साथ कुछ इंटरेक्शन नया कर लूँगा. एंड ट्रस्ट मी यू विल नेवर गेट ओल्ड. एंड आई हैव फॉलोड दैट एडवाइस टू दैट टी. आई एम कॉन्स जब मैं गाना गा रहा होता हूँ मैं एक ही चीज़ सोच रहा होता हूँ कि आज मैं क्या नया करूँ. wow. एक क्या चीज़ नहीं कर सकता हूँ जिससे क्या पता कुछ नया फ्लेवर ऐड हो जाए. दिस हैज बीन योर सीक्रेट. यस. टेल मी कमिंग टू योर नेक्स्ट लेटेस्ट हिट व्हिच आई वाज ब्लोन बाय व्हेन आई सॉ इट लास्ट नाइट. टॉक अबाउट दैट सॉन्ग, टॉक अबाउट हाउ यू इवॉल्व्ड एज एन आर्टिस्ट. सो ये गाना जो अभी रिलीज हुआ है आदमी है सी, जिसने दारू नहीं पी वो साला आदमी है सी. दिस इज द लिरिसिस्ट दानिश साबरी, ये उनका ही थॉट है. And he's composed this song. ये गाना मैंने 2014 में बनाया था. मैंने वरुण धवन को ये गाना भेजा था, उनको ये गाना बहुत पसंद था. वो ही वॉन्टेड कि किसी एक फिल्म में 2014 में 24 में एग्जैक्टली 10 साल बाद इसको हम रिलीज कर रहे हैं. फिर 2015 या 16 में जब ग्रेट ग्रैंड मस्ती बन रही थी इंद्र कुमार जी इंदू जी, तो मैंने उनको भी भेजा था. एंड ही लव्ड द सॉन्ग. ही वॉन्टेड कि किसी तरीके से फिल्म में इस गाने को डालूँ, बट
सिचुएशन में बैठा नहीं, तो उन्होंने इस गाने को नहीं डाला। तो क्या 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 आजकल सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक बनता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। म्यूजिक के हिसाब से भी सिचुएशन बनती है काफी बार। ओके, इट्स ऑल लक बाय चांस। तो आई जस्ट डिसाइडेड वन डे कि यार मेरे को ये गाना करना है, वॉन्ट टू रिलीज द सॉन्ग। एंड ये गाना हमने एक एज एक्सपेरिमेंट किया, एंड इस गाने को इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, एंड इट इज़ गोइंग वायरल एवरीवेयर। और ये हर पार्टी में बजता है, हर डीजे मेरे से इसकी MP3 मांगता है कि भाई आप प्लीज़ मुझे इसका भेजो, मुझे इसका रीमिक्स करना है। तो आई थिंक ये हर क्लब में बजता है, एंड इट इज़ अ पार्टी फेवरेट सॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम द सॉन्ग बीइंग फैंटास्टिक, यू हैव आउटशाइंड योरसेल्फ एज अ सिंगर। ऑफकोर्स एवरीबडी नोज दैट यूर अ ग्रेट सिंगर, बट टू पुल दैट म्यूजिक वीडियो ऑफ वॉज नॉट ईजी और वॉज वेरी आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, आई वुड से। अगेन वेन यू डोंट प्रिपेयर, मेरा एक हमेशा से बिलीफ रहा है कि जब आप जितने गो विद द फ्लो जाते हो ना, उतना अच्छा। हूज आइडिया वॉज दैट म्यूजिक वीडियो, वेन डिड यू शूट दैट? आइडिया तो मेरा था, जो मैंने प्रेजेंट किया राहुल शेट्टी को, जिनके साथ मैंने एक और गाना किया था गरबे की रात को। ओके, एंड गरबे की रात आइडिया मैंने उनको सिर्फ इतनी ब्रीफ दी थी कि आई वॉन्ट इट टू बी अ वेरी वैकी वीडियो, आई डोंट वॉन्ट इट टू बी वेरी कन्वेंशनल वीडियो कि क्लब में डांस कर रहा हूँ फिर एक लड़की आती है, नहीं। मैंने कहा वो सब नहीं, एडिट में खेलो, कुछ वैकी करो, वैकी करो। आई जस्ट टोल्ड हिम वन वर्ड, गिव मी अ वैकी वीडियो, अलग हटके, एंड बाकी सब उन्होंने किया। आउटस्टैंडिंग, द एडिटर, पूरा क्रेडिट उनको जाता है। देयर इज वन कैरेक्टर इन द सॉन्ग व्हिच जस्ट टेक्स योर आईज। अगर आपने नहीं देखा हो गाना तो प्लीज ये देख लीजिए, इट्स कॉल्ड आदमी है सी, इट्स देयर ऑन माय YouTube चैनल। बट टेल मी, ये 10 साल पुराना गाना है, एंड डज इट साउंड द सेम और यू हैड टू आज का बनाया, यू हैव मेड इट अगेन? यस यस यस, बट व्हाट इट वाज, ऑफ कोर्स 2014, सी साउंड जो होता है ना मेगा, हर साउंड इज अ वेरी टेक्निकल टर्म। लोगों को बता दूं कि एक होता है गाना, एक होती है कॉम्पोजिशन, जो जैसे दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिस इज द कॉम्पोजिशन। उसके बाद जो म्यूजिक उसके ऊपर लगता है, दल धड़का, सो दैट चेंजेस एवरी 6 months, सो द साउंड इज वेरी फास्ट चेंजिंग। आजकल की जो ऑडियंस है ना, उनका पेशेंस भी बहुत एक मिनट से ज्यादा है। एक मिनट 7 से 10 सेकंड हो गया अभी, वेयर आर यू? हाँ, बट 1 मिनट का वीडियो यू वुड सी, मेगा 1 सेकंड रील का ट्रेंड चला है, कहाँ? हाउ डू यू कन्वे अ स्टोरी इन 1 सेकंड? कुछ स्टोरी नहीं, बस पीपल, लोगों को टाइम नहीं है, नींद से उठे या नहीं सोने जा रहे हैं, ठाक अच्छा लगा, ठाक बुरा लगा, जल्दी चेंज, अच्छा लगा, चलो 2 3 4 5 सेकंड आउट। तो आप, मुझे वो लोग ही समझ में नहीं आते जो 1 1 2 2 5 5 मिनट के चीजें। आप कभी भी नोट करना, जब पहले गाने बनते थे ना, तो दो दो बार म्यूजिक बजता था, लंबे लंबे दो दो अंतरे होते थे। आज गाना हो गया 2.5 मिनट का। सो द वर्ल्ड इज, लोगों का पेशेंस, पीपल्स पेशेंस लेवल, बट 1 सेकंड 2 सेकंड इज हार्ड, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, हार्ड टू कीप अप टू एनी, यू आर रिस्पॉन्सिबल इंस्टाग्राम, तुम रिस्पॉन्सिबल हो लोगों का पेशेंस खत्म करें, लोगों को तुमने बिगाड़ा है और लोगों की करियर्स भी बनाई है जो दिया है इंस्टाग्राम ने, उसको तो, उसके बारे में तो मतलब पूरी दुनिया ही जानती है, लोगों के करियर 100 shows दिए इंस्टाग्राम ने लास्ट 4 दिनों में। थैंक यू इंस्टाग्राम। राहुल, वेयर डू यू सी म्यूजिक टेकिंग अ टर्न? आई डू अ सॉन्ग एवरी मंथ टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड एवरी, अभी मेरी मेगा हमेशा से कोशिश यही रही कि कुछ अलग करूँ यार, कोई भी मुझे नॉर्मल रोमांटिक गाना करना ही नहीं है कि जो पहले 5,000 गाने वैसे बज चुके होंगे। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू every attempt, every opportunity that I am getting or I am doing or I am investing in. See, because making music is expensive affair. Making good music is an expensive affair. बहुत पैसे लगते हैं, बहुत effort लगता है, बहुत time लगता है, बहुत अच्छा सोच गाना, जाती है, बहुत सोच, creative, आप exhaust हो जाते हो creatively. Every decision has to be very well thought of. Well thought about. And you have to just keep your best bet ahead. तो इसलिए मैंने आदमी है सी किया है, एकदम हटके। It's so relatable. Like I think as a girl, sorry to say that, but I was laughing and in my head I was like, it's so true. Like the first thing was like,
व्हाट ऐप लाइक द हुक ऑफ द सॉन्ग, उसमें एक लाइन आती है जिसने एल फॉर लड़की ने दिल मेरा लूट लिया, वैसे ही लड़कियां बनाती हैं सी फॉर सही समझे आप. सो डिड यू गेट ऑफेंडेड? आई डिडंट गेट ऑफेंडेड. ओके, नॉट एट ऑल. ओके, सो लड़कियां तो बनाती है, सो दैट्स द ट्रूथ ऑफ. या या ऑफ कोर्स, आई एम अ गर्ल, एंड आई कैन से दैट वेरी 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 प्रिसाइसली दैट लड़कियां बनाती है. अच्छा, इट्स गॉन आर द डेज व्हेन ओनली बॉयज गेट द बेनिफिट. ओ, तो yeah. मतलब आप दोनों साइड से. Yeah, of course, but you are right. Of course. Of course, मतलब when we talk about equality at a larger level, saying कि बड़ी आई और अच्छी बात है, आनी भी चाहिए. I'm just saying कि जब हम बात करते हैं, everything should be equal, you know. Then this is equality, right? Absolutely. You have also screwed. We've also screwed yeah. around. So I think that's a very, I think that's where the generation is going. Everybody screws. What's the next song? Haven't thought, to be very honest. Because ये गाना अभी रिलीज हुआ, I'm still working on the marketing of the song. I'm still enjoying the after effects of the song, and which are on the positive side. It is so nice that एक गाना हमने experiment के तौर पे किया, जिसको audience ने इतना ज़्यादा पसंद किया. Yeah. People are going mad over the song. They are laughing. They are enjoying. They are dancing. So I'm used to not seeing Rahul Vaidya in funky clothes, and I've never liked him. Like, I'm his biggest critic, and I say, you're supposed to be suited, booted, you're the boy next door, like girls love you for a certain look. But this one look, you have nailed it. Like, and you've acted so well. Like, I can't say that you're not just a singer in that song, but you're a great actor in that song. Thank you very much. Thank yeah, you. Yeah, so you'll Thank have you. To watch the video. If not to also hear the audio, just to see the video. Okay, done. People, please. Please go watch it for the video. It's a very interesting video. Rahul, you always reversed age. What do you do to keep up to your fitness levels, to keep up to your energy on stage? Because 20 years is not a short time to be on stage. Yeah. What's your two tips that you would tell people? What do you do right in your life? Okay, one tip, very important to youngsters, if at all you're watching, don't wear leather shoes for your performances. You'll end up spoiling your feet. I've developed a condition. I can't wear leather shoes anymore for performances. Got parties, parties mein aadhe ghante ke liye pehen sakta hun, but for performances I need soft sole, because you're singing and dancing for 3 hours on hard surfaces, right? Rahul also performs for 6 hours at times. Nee, if he's never ek bar ho gaya tha, paune saat ghante hua tha. And that's your longest show. That's the longest show. Yeah, that's the longest show. But you've also done 3 hours and 4 hours on a 3-4 ghante is a his contract will say 120 minutes, but rest assured that he'll never perform for 120 minutes. नहीं मतलब rest assured. I don't know when was the last you must have performed for one, unless and until the client has to be really bad to him. नहीं ऐसा कुछ नहीं, but 120 audience has to be too much यार, 2 घंटे बहुत होते हैं. But you've barely मतलब you've always over delivered. I've like you've always under committed and over delivered. Because only again coming back to the thing that it's my passion. I love being on stage. Agar if I did it as work, mere ko aisa lagta hai yaar ye chalo jaldi chalo na, ho gaya na abhi. Mera 120 ho gaya. Mera ho gaya na 120, contract ho gaya na, client can say. But it's never been like that. That's never been the ideology. Right. Isliye maza aata hai, karte hain, badi masti karte hain. Log bhi isliye pasand karte hain na fir. Log bhi aapko utna hi pyar karte hain. Right. So yeah, that is that. One tip to reverse an age. I don't think just jeans, blessed jeans. But you also work hard. I work like hard. I try. I don't like working out, to be very honest. I love going out for walks. I love doing cardio. But I have been told, and scientifically I've read about it, that weight training is very, very important. So I try and squeeze in weight training at least 3 bar hafte mein hum weight training kar hi lete hain. But otherwise, just be happy, enjoy with your family, chill, find your off days, keep working till the time you can, because work can make you happy also. One tip to people who look at singing only as an opportunity of playback, like they come with blinkers and they think playback's my only way of success. How do you tell them to
यार बहुत सारी दूसरी एवेन्यूज भी है. नहीं, but why should I tell them? Let them be happy. They'll themselves realize one day. But you've learnt it, na? You've done something right. Share the right thing with them. No, it's not about sharing the right because each to its own mega. जो मेरे लिए right हो वो जरूरी नहीं किसी और के लिए right हो. But you see people struggling, right? किसी और के लिए right हो जरूरी नहीं मेरे लिए. जैसे उनके लिए वो right है, मेरे लिए right नहीं है वो. So it's not about I probably might end up misguiding them. क्या पता? Because everybody's journey. सबकी अलग होती है. Yeah, but I'm just saying as a broader that you can look at different avenues to make love with music and make a fortune out of it also, right? Yeah, yeah. Not necessary you have to. People in smaller towns, people come with that aspiration. Bombay शहर में लोग आते हैं एक सपना लेके. नहीं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ उन सब लोगों के लिए कि अपने घर पे एक बढ़िया सा गिटार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके गाना गाइए, उसका वीडियो बनाइए, उसका वीडियो रिलीज कीजिए, एंड अगर इफ देयर इज पोटेंशियल, इफ यू आर लकी, द सॉन्ग विल बी अ सुपर हिट. विश यू ऑल द बेस्ट. एंड एज द ग्रेट सचिन तेंदुलकर सर सेज, कीप चेजिंग योर ड्रीम्स, नेवर फॉरगेट, जस्ट कीप चेजिंग योर ड्रीम्स. परफेक्ट, दैट वॉज अ गुड एडवाइस टू पीपल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. Anything on this last note, signing off, anything to your audience who loves listening to you, who's not heard you in a very long time, you've not gone out in a very long time and spoken about life, you've been married, you've had a very, very cute baby, she's just going to complete a year in the next 2 months, how has that life been for you? It's the best, I'm blessed, please keep blessing, please keep listening. And just keep blessing, yeah. That's all. I think blessings is the only thing that matters. Thank you so much, Rahul, for thank accepting you. This. Yes. And thank you for always valuing the relationship. Anytime for you. Over anything that you've ever done. He's Anytime. Always valued people and relationship. I'm a man of relationships. That yeah. much I can say. For yeah. Sure. Thank you so much for thank being you. There. Thank you. For thank having you. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो. बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर. बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें. झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें. फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है. एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें. अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेज, प्लीज डाउनलोड फिल्मी जॉब्स ऐप.